नमस्कार, आपका हमारी इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें, किसानों के लिए बड़ी खबर इस वक्त आई है। कृपया इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कोई भी सोशल अकाउंट आप यूज कर रहे हो, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। मोदी सरकार ने खेती को संकट से उभारने के लिए किसानों को जिस स्कीम के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजने का फैसला किया था, उसके तहत अब तक 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता की जा चुकी है। उधर कोरोना संक्रमण के बाद किए गए लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 4.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये भेज दिए हैं। यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्टर्ड किसानों को भेजी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के करीब 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ऐसे में इतने परिवारों को सीधे करीब 18,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। देश में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। इस स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये मिलने हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के लॉकडाउन के दौरान करीब 5 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये भेजने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गरीबों किसानों को ज़्यादा असर न पड़े, उसके लिए किसान के लिए सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान 24 मार्च से 3 अप्रैल तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के माध्यम से 9,826 करोड़ की रकम ट्रांसफ़र की गई है। किन्हें लाभ नहीं मिलेगा ये देखिएगा। भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, वर्तमान में या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, MLC, लोकसभा और राज्यसभा सांसद को पैसा नहीं मिलेगा, भले ही वो खेती करते हों। केंद्रीय या सरकार राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10,000 से अधिक पेंशन वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो, उसे लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इनका टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे। अगर आपको इस स्कीम के तहत पैसा न मिले हो तो आप अपने लेखपाल, कानूनों को और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 1-55-261 या 1-800-11-55-26 पर संपर्क करें। वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर 011-233-81092 पर बात करें। तो ये देख सकते हैं, किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर इस वक्त जो है मोदी सरकार ने पेश की है। आपको हम इसी तरीके की स्कीमें आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।